गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं, इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस पार्ट्स में यूट्यूब पे अपलोड कर रखे हैं, वो जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कराया था और चेंज इन पीएसआर कैसे कैसे चेंज होता है ये सब मैंने प्रीवियस पार्ट में कराया था और इसकी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और रात को 9 बजे मेरी एक वीडियो जरूर आती है, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और शॉर्ट्स भी बहुत सारे हैं, 500 से ज्यादा वीडियो आज की डेट में मेरे यूट्यूब पे अपलोड है और देख सकते हैं। सीक्वेंस वाइज वीडियो बन रही है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। चैनल पे आते हो फर्स्ट टाइम, लाइक भी करो, लाइक करके अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 2024 का एडिशन है हमारा। अहिल्या, लक्ष्मी एंड पार्वती आर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:2 है विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2024। दे डिसाइड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 5:2:3। पहले था 5:3:2, अब क्या हो जाएगा 5:2:3। कैलकुलेट द ईच पार्टनर गेन और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंजेस इन द रेशो। हमें हर एक बंदे का निकालना है, तो क्या कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखें अहिल्या, लक्ष्मी और पार्वती। अहिल्या का होल्ड शेयर कितना है, 5 और 3 8 10, 5/10। और लक्ष्मी का 3/10। और पार्वती का ओल्ड शेयर 2/10। ये तो ओल्ड है, अब न्यू रेशो देखो, न्यू शेयर अहिल्या का है वापिस 5/10 है और लक्ष्मी का चेंज हो गया लक्ष्मी का कितना हो रहा है 2/10 और पार्वती का चेंज हो गया 3/10। वो कह रहा है सेक्रीफाइसिंग ओल्ड रेशो निकालो, तो सेक्रीफाइस रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो। तो अहिल्या का देखो, अहिल्या का शेयर कितना हुआ 5/10 में से 5/10 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, कोई गेन नहीं, कोई सेक्रीफाइस नहीं, क्योंकि इसने अपना रेशो तो चेंज किया ही नहीं ना, चेंज लक्ष्मी और पार्वती कर रहे हैं। तो लक्ष्मी का शेयर देखो, ओल्ड रेशो कितना था 3/10 और न्यू रेशो कितना था 2/10, ये तो सीधा सीधा माइनस हो रहा है 1/10, करने की जरूरत है, ये तो सीधा 3/10 2/10 डिनोमीटर सेम है, तो 3 - 2 करोगे तो कितना जाएगा 1/10। और यहाँ पे पार्वती का देखो 2/10 में से माइनस करेंगे 3/10, तो माइनस का 1/10। जब माइनस आता है तो क्या कहता हूं मैं आपको, गेनिंग आता है। और ये क्या आएगा, सैक्रीफाइस। ठीक है, समझ में आ गया, क्या दोबारा समझाऊं, सबको क्लियर है, शोर है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं टीएस ग्रेवाल का। और ऑनलाइन भी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर शेयरिंग रेशो एंड द लॉसेस इन द रेशो है 5:3:2 विद इफेक्ट 1 अप्रैल 2024। दे डिसाइडेड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट लॉसेस इक्वली। अब वो इक्वली कर रहे हैं एक्स वाई जेड, ओल्ड शेयर जो है एक्स वाई जेड 5/10 3/10 और 2/10। ठीक है, ये रेशो दिया हुआ है हमारे को और न्यू रेशो दे रहा है वो इक्वली। न्यू रेशो क्या है, एक्स का 1/3, वाई का और जेड का 1/3 इक्वली है। इक्वली क्या होगा तीनों रेशो में, 1/1/1, ये इक्वली होगा, तीनों को बराबर बांट रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया, सॉरी कंफ्यूजन, बताओ। पहले जो रेशो था वो 5:3:2 था,
फाइव प्लस थ्री प्लस टू कितना होगा 10, तो 5 बाई 10, 3 बाई 10, 2 बाई 10 हुआ। अब नया रेशो है इक्वली, तीनों में इक्वली बटेगा, तो इक्वली बटेगा क्या होगा 1, 1, 1, तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, 1/3, 1/3, 1/3, तीनों को प्लस करोगे 1, 1, 1, तो कितना आएगा डिनोमीटर में 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। 1/3 को अगर 1/3 करोगे तो 33.333 आता रहेगा, और 33.33 को 3 बार जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है ना। 1 का 0.34 कर सकते हो। चलिए यहां पे अब देखते हैं, तो अब वो क्या कह रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स का देखो क्या आ रहा है, वाई का और जेड का। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है हमारा 5/10, इसका कितना है 3/10, इसका कितना है 2/10। अब माइनस करो देखो 1/3, 1/3, 1/3, तो 10 × 3 करोगे तो कितना आएगा 30, 10 × 3 करोगे तो कितना आएगा 30। कंफ्यूजन है तो बेटा बताओ फटाफट, समझ में आ रहा है। चलिए तो 10/3 आपको, आपके बगल में वर्मा जी हमारे सीए बैठे हुए हैं, उनसे भी कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हो, बहुत बढ़िया लड़के हैं वो। तो 10/3 का मतलब कितना हो गया 30, तो 10 की करोगे तो कितना आएगा 3, 5 × 3 करोगे तो कितना आएगा 15, और 10 कितना आएगा 5/30। ये क्या आ गया सैक्रिफाइस, ठीक है। 15 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा 5/10, सॉरी 5/30। यहाँ पे देखो कितना है 30, तो 3 × 3 = 9 और -10, तो माइनस का 1/30, ये क्या आ गया गेन, माइनस वाला गेन में आता है, ठीक है। तो यहाँ 30 करोगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 - 10, तो ये आ गया माइनस का 4/30, तो ये भी गेन आ गया। इसका मतलब गेन कर रहे हैं वाई और जेड, क्या कर रहे हैं गेन कर रहे हैं, और एक्स क्या कर रहा है हमारा सेक्रीफाइस। आई होप समझ में आ गया होगा, ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। किसी को डाउट्स है बेटा, रुद्र वालिया समझ में आ गया, कोई डाउट्स? जोशी जी वन शॉट क्लियर, लक्ष्मी माता क्लियर है। चलिए तो ऑनलाइन व्यूअर्स भी, अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, बलून सेकंड नाम से ही हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।